घटना हुई थी। जी 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 जी, जी लखनऊ गए या मिले भी हैं? मिले हैं आपसे दो बार। अच्छा जी, अच्छे हैं अध्यक्ष जी। जी कह रहे हैं अध्यक्ष जी, क्या नाम है, ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार क्या नाम है, शासन और प्रशासन दोनों पीड़ित परिवार को एकदम एकदम परेशान कर दिया, और मिलकर सभी क्या नाम है शासन प्रशासन से मिलकर जो यहाँ के नाविक जो हैं क्या नाम है जी, ये भैया यहीं के सभासद हैं वर्तमान में अपनी जी, और ये भैया सोनू सानी बताइए। जी मैं वाराणसी निषादरा कन्या समिति का अध्यक्ष हूँ सर, और पूरे नौवीं संघ का अध्यक्ष हूँ सर। ये लगातार बीजेपी वाले लोग यहाँ पर विकास के नाम से पूरे हमारे समाज में इतनी परेशान कर चुके हैं सर कि यहाँ पर महामारी के लगभग तीन महीने से कोई भी सहायता, कोई भी शुल्क या कृषि समाज को, खेती बाड़ी करने वाले लोग को परेशान करते हैं, मछली मारने वाले को परेशान करते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग घाट किनारे, आप जानते ही हैं उनके घाट किनारे ही बसते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले विकास के नाम से इन्होंने कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया, और उन्होंने आके दो दिन तीन दिन पहले पूरा घर तोड़ दिया। लगभग 30 से 40 संख्या परिवार रहते थे, आज वो बेसहाय हैं। और ये कहना कोरोना महामारी में कोई सहायता भी नहीं मिला सर, न DM न कमिश्नर न यहाँ के लोग सांसद जी भी कोई भी, हम लोग आप लोगों पर निर्भर रहते हैं, हम लोग के साथ रहते हैं, लेकिन कहीं से इन लोगों बीजेपी वाले लोग कुछ नहीं दिए। अब आप किशन एक काम करना जी, अध्यक्ष जी इनकी जो बात ये कह रहे हैं वो लिख करके मुझे भेज देना, और एक इनकी तस्वीर और भेज देना मुझे, यहाँ की जो नाव वगैरह नहीं चलने दे रहे हैं जी, ये अभी भेज देना मुझे तो। ये नाविक संघ के अध्यक्ष भी हैं अध्यक्ष जी, ये बनारस के। हाँ इनका अभी चौधरी साहब तुमसे बात कर लेंगे तो पूरा लिखवा लेंगे, मैं कहूँगा उनकी मदद करूँगा मैं जी। ये अजय सहनी है जो नाव वगैरह खड़ी है उनकी तस्वीर मुझे खींच के भेज देना जी। ये अजय सहनी है अध्यक्ष जी, भैया प्रणाम। अजय सहनी नाम है भैया, और मैं यहाँ अपना परिचय बताइएगा। तो किशन दीक्षित जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी यूनियन समाज। किशन जी, किस तरह की ऑनलाइन आपसे बात हो रही थी? कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का टेलीफोन पे वार्ता हुई थी हमारी, और बनारस की कई समस्याओं पर, कई बिंदुओं पर उनसे मैंने वार्ता की। उसी एक बिंदु में बनारस के मांझी समाज, निषाद समाज की बातें हमने उनके समक्ष रखी थी, जो लगातार 3 महीने से मांझी समाज रोजी रोटी के बिना बिलख रहा है, रो रहा है। नावों को बंद कर दिया गया, मछली कारोबार उनका बंद है, जिस तरह मछली मार कर अपना पालन पोषण करते थे वो बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ जो घाट किनारे गरीब मांझी झोपड़पट्टी या छोटे मोटे पक्के मकान जो बनाए थे, जिस पर मुकदमे चल रहे थे, स्टे था, उसको तोड़कर उनके निराश्रित करने का जो काम इस सरकार ने किया है, उसके खिलाफ इन बातों को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को संज्ञान में दिया था, और हमने कहा था, उन्होंने स्वयं इच्छा फिर जताई कि अगर उनके परिवार के लोगों से उनकी जो समस्या हो अगर मुझे अवगत करा सकते हो तो वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे अवगत कराओ या बात कराओ। उसी संबंध में आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी से, जो मांझी समाज निषाद समाज के लोग थे, जिनके परिवार घर टूटे थे, जिनकी झोपड़ियाँ टूटी थी, जिनकी गुमतियाँ टूटी थी, और जो नाविक समाज के लोग थे, उन लोगों ने उनसे बात कर अपनी समस्याओं को रखा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर से इनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। यही है अपना परिचय बताइएगा। तो मेरा नाम शंभुनाथ मांझी, मैं समाज सेवक हूँ। शंभु, किस तरह की आप ऑनलाइन अखिलेश से क्या बात हुई? आज 4 महीने से लॉकडाउन चल रही है, पूरे तरीके से
राजघाट से लेकर 80 घाट तक पूरी नावें बंद कर दी गई है। और जो हमारे मछली मारने वाले हैं, गोताखोर हैं, सभी पूरे मतलब हर तरीके से हम ठप कर दी गई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हम लोग की वार्ता हुई, अपने समस्या के बारे में उनको बताया, वो बोले कि हम जल्दी एक्शन लेंगे। अखिलेश से क्या बातें हुई, खुल के क्या बातें की आपने, क्या उन्होंने बताया, जो है क्या मदद का क्या आश्वासन दिया? खुल के यही बात हुई, जो राजघाट में भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आके पर्यटन विभाग के लोग कुछ आए थे, जो जबरदस्ती यहाँ पे तोड़ फोड़ दिया गया, उनको मार के भगा दिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से अपनी वार्ता की है, अपने समाज के बारे में कहें और उनके बारे में भी कहें। नौका संचालन के बारे में क्या बात हुई? नौका संचालन के बारे में बोले कि भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, सोचते हैं उसके बारे में। अपना परिचय बताइएगा। तो किशन दीक्षित जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी यूनियन सभा। किशन जी, आज किस तरह की ऑनलाइन आपसे बात हो रही थी? कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का टेलीफोन पे वार्ता हुई थी हमारी, और बनारस से कई समस्याओं पर, कई बिंदुओं पर उनसे मैंने वार्ता की। उसी एक बिंदु में बनारस के मांझी समाज, निषाद समाज की बातें हमने उनके समक्ष रखी थी, जो लगातार 3 महीने से मांझी समाज रोजी रोटी के बिना बिलख रहा है, रो रहा है। नावों को बंद कर दिया गया, मछली कारोबार उनका बंद है, जिस तरह मछली मार कर अपना पालन पोषण करते थे वो बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ जो घाट किनारे गरीब माझी झोपड़पट्टी या छोटे मोटे पक्के मकान जो बनाए थे, जिस पर मुकदमे चल रहे थे, स्टे था, उसको तोड़कर उनके निराश्रित करने का जो काम इस सरकार ने किया है, उसके खिलाफ इन बातों को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को संज्ञान में दिया था। और हमने कहा था, उन्होंने स्वयं इच्छा फिर जताई कि अगर उनके परिवार के लोगों से उनकी जो समस्या हो अगर मुझे अवगत करा सकते हो तो वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे अवगत कराओ या बात कराओ। उसी संबंध में आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी से, जो मांझी समाज निषाद समाज के लोग थे, जिनके परिवार घर टूटे थे, जिनकी झोपड़ियाँ टूटी थी, जिनकी गुमतियाँ टूटी थी, और जो नाविक समाज के लोग थे, उन लोगों ने उनसे बात कर अपनी समस्याओं को रखा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर से इनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। यही है, अपना परिचय बताइएगा। तो मेरा नाम शंभुनाथ माझी, मैं समाज सेवक हूँ। शंभु, किस तरह की आप ऑनलाइन अखिलेश से क्या बात हुई? आज 4 महीने से लॉकडाउन चल रही है, पूरे तरीके से राजघाट से लेकर 80 घाट तक पूरी नावें बंद कर दी गई है। और जो हमारे मछली मारने वाले हैं, गोताखोर हैं, सभी पूरे मतलब हर तरीके से हम ठप कर दी गई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हम लोग की वार्ता हुई, अपने समस्या के बारे में उनको बताया, वो बोले कि हम जल्दी एक्शन लेंगे। अखिलेश से क्या बातें हुई, खुल के क्या बातें की आपने, क्या उन्होंने बताया, जो है क्या मदद का क्या आश्वासन दिया? खुल के यही बात हुई, जो राजघाट में भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आके पर्यटन विभाग के लोग कुछ आए थे, जो जबरदस्ती यहाँ पे तोड़ फोड़ दिया गया, उनको मार के भगा दिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से अपनी वार्ता की है, अपने समाज के बारे में कहें और उनके बारे में भी कहें। नौका संचालन के बारे में क्या बात हुई? नौका संचालन के बारे में बोले कि भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, सोचते हैं उसके बारे में।